बीसीसीआई ने किया नए सिलेक्टर का ऐलान। अब लगने वाली है इन 7 खिलाड़ियों की लॉटरी। जो खत्म मान बैठे थे अपना कैरियर, अब नए सिलेक्टर के आते ही जाग उठी वापसी की उम्मीद। केवल 6 मैच खेलने वाला खिलाड़ी बन गया है सिलेक्टर। बीसीसीआई के इस फैसले से हर कोई हैरान, लेकिन इन खिलाड़ियों का है चहिता। बदल डालेगा टीम इंडिया की पूरी पिक्चर। जिन्हें कोई तक नहीं पूछता था, उन खिलाड़ियों की लॉटरी लगेगी नए सिलेक्टर के ऐलान से। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, कौन सा वो नया सिलेक्टर है जिसके आते संगी दोस्तों 7 खिलाड़ियों की लॉटरी लग गई है। और वो सिलेक्टर बहुत अनुभवी क्रिकेटर नहीं है, लेकिन फिर भी उस सिलेक्टर के आते ही कई खिलाड़ी काफी ज्यादा खुशी या जश्न मना रहे हैं। सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारतीय टीम अपने सिलेक्शन कमेटी का लगभग ऐलान कर चुकी है। ऐसे में दोस्तों, अब सेलेक्टर्स में लगभग सारे नाम बाहर आ चुके हैं। ऐसे में सेलेक्टर्स की कमेटी में एक और बड़ा नाम यहाँ पर 3 सितंबर को आया, जब अजय रात्रा टीम इंडिया के सेलेक्टर बन गए। बीसीसीआई ने मंगलवार रात 3 बजे यहाँ पर दोस्तों भारत की पुरुष चयन समिति का सदस्य नियुक्त किया। वह संकित अकोला की जगह लेंगे। रात्रा चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के साथ मिलकर भारतीय टीम का सिलेक्शन करेंगे। पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज रात्रा का इंटरनेशनल करियर 18 मैचों में ही खत्म हो गया था। उन्होंने साल 2002 में 6 टेस्ट 12 वनडे खेले, जिसमें क्रमशः 163 व 90 रन बनाए। हालांकि रात्रा को घरेलू क्रिकेट का काफी अनुभव है। उन्होंने हरियाणा के लिए 99 प्रथम श्रेणी मैचों में 4029 रन जुटाए हैं और 240 से अधिक शिकार भी किए हैं। अब बीसीसीआई ने बयान में कहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड रात्रा को अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली पुरुष चयन समिति का नया सदस्य नियुक्त कर रही है, लेकिन इनके आने के बाद कई खिलाड़ियों की लॉटरी लग रही है। उनमें नंबर 1 पर नाम आता है केएल राहुल का। माना जाता है दोस्तों, रात्रा एक विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, जो कि यहाँ पर दोस्तों पहले जो डोमेस्टिक क्रिकेट में बॉलिंग भी किया करते थे, पर उन्होंने काफी ज्यादा विकेट कीपिंग पर भी फोकस किया है। इस वजह से केएल राहुल के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा बात मानी जा रही है कि उनके आने से, रात्रा के आने से राहुल को काफी फायदा हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, अगला जो नाम आता है वो अजिंक्य रहाणे का नाम आता है। रहाणे भी काफी समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहा है, लेकिन अजय रात्रा यहाँ पर दोस्तों ऐसे खिलाड़ी हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार रहाणे से कॉन्टैक्ट में रहे हैं, और इस वजह से रात्रा आने से अजिंक्य रहाणे को भी फायदा हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार एक बड़ा नाम है टीम इंडिया के लिए, लेकिन उनको भी लगातार टीम इंडिया इग्नोर और ड्रॉप करती जा रही है। पर अब भुवनेश्वर कुमार को भी टीम इंडिया की साइड में जगह मिल सकती है, क्योंकि अब जहां तक रात्रा आए हैं तो ऐसे में दोस्तों कई पुराने खिलाड़ियों को भी मौका देंगे। करुण नायर का एक नाम आ रहा है दोस्तों, यहां पर करुण नायर को भी टीम इंडिया में वापसी करने का मौका मिल सकता है रात्रा के आने से, क्योंकि अब तक सेलेक्टर्स ही शायद इस खिलाड़ी को लगातार नजरअंदाज कर रहे थे, पर शायद अब उनको नजरअंदाज करना यहां पर थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है। उसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें तो उसके अलावा यहां पर टीम में और भी कई खिलाड़ियों को यहां पर फिर से मौके दिए जा सकते हैं, जैसे कुलदीप यादव हो गए, युजवेंद्र चहल को पूरे पूरे मौके देने की बात यहां पर कही जा रही है नए सिलेक्टर के आने से। लेकिन देखना दिलचस्प होने वाला है दोस्तों, कि कौन कौन से खिलाड़ी को ये सिलेक्टर मौका देता है और किसको ड्रॉप कर देता है। आप किस पर क्या राय है कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।